का बढ़ते हैं आगे। नागौर की मेड़ता सिटी में आरएलपी सत्ता संकल्प यात्रा पहुंचने पर ग्राम सोगावास में समर्थकों ने साफा पहनाकर और जेसीबी से पुष्पवर्षा करके स्वागत किया। यात्रा सोगावास से नागौर चौकी बस स्टेशन होते हुए ग्राम डांगावास पहुंची। इस दौरान मेड़ता के मोरारा तिराहा पर आम सभा आयोजित हुई। आम सभा में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का समर्थकों ने 101 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी, छात्र संघ अध्यक्ष आरुषि लामरो, दिन्ना राम बावरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल थानवी सहित सैकड़ों आरएलपी समर्थक मौजूद। इस दौरान बेनीवाल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और देश में कोरोना फैलाने का मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि समय रहते इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करते तो देश में कोरोना नहीं फैलता। कोरोना की वजह से लाखों लोगों की जान गंवानी पड़ी। इसके साथ ही शहीद अग्निवीर का सम्मान नहीं करने पर भी विरोध जताया गया। 2014 के अंदर इनकी सरकार बनी थी तो पेट्रोल डीजल की कीमतें 55-50 होगी और 100 पार चली गई। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, इनके मंत्री खड़े होकर बोले कि 74 होटल में खाना खाओगे तो बिल 74 का देना पड़ेगा और ढाबे पे खाओगे तो ढाबे का देना पड़ेगा। अगर सड़क पे चलना है तो टोल देना होगा। गाड़ियां खरीदना बंद कर दो, महंगाई बढ़ेगी। इनके मंत्रियों के ये बयान इस लोकसभा के अंदर इस बात को इंगित करते हैं, घमंड अभिमान चूर चूर के बराबर। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि सामने वाला पाड़ा भी कमजोर है।